सबसे पहले अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं एडवांस एक्सेल से कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या कोई अलग टॉपिक है या कोई अलग फीचर्स है या कोई अलग सॉफ्टवेयर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट आपको जो एक्सेल देता है ना उसमें ये नहीं कहता है कि दिस टॉपिक आर एडवांस, दिस टॉपिक आर बेसिक, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑप्शन दे दिया और डिपेंड करता है कि उसको आप एडवांस या बेसिक कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या होता है एडवांस एक्सेल, किस तरह के फीचर्स होते हैं, चलिए हम बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा, देन 20 को मैंने कॉपी किया 30 के ऊपर, 30 रिप्लेस बाय 20, सिंपल राइट। इसको बेसिक कहा जा सकता है। लेकिन इसी चीज को अगर एडवांस में अगर हम मतलब थोड़ा सा और जानते फीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो एडवांस स्पेशल में आपके पास होता है ऑपरेशंस। हमने इस पे क्लिक किया बट तो क्या होगा कि 30 और 20 के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट 50 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसको भी हम एडवांस नहीं कहेंगे, ये भी हमने बताया कि आपका फीचर कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन जब एडवांस सेक्शन में मेरे पास आएंगे तो मैं इस टॉपिक को मैं कुछ इस तरह से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे परसेंटेज में कि एक्सेल के अंदर परसेंटेज कैसे लिखते हैं। 20 और परसेंट का सैंपल देंगे तो 20% होगा। अगर हमने 20% डाला और परसेंट का सैंपल बाद में लगाया तो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। इट मीन्स कि अगर आपको बाद में परसेंटेज लगाना है देन 0.20 टाइप करेंगे एंड अप्लाई द परसेंटेज का। अब यही पे एक प्रॉब्लम है, हमारे एक कलीग है जो हमें एक डेटा भेजते हैं। हमारे कलीग जो है एक डेटा भेजते हैं, डेटा का हेडिंग जो है ना वो परसेंटेज कर देते हैं बट एक्चुअल में वो भेजते हैं नंबर। मतलब कि इसको अगर हम परसेंटेज के सैंपल पे क्लिक करें तो 6-7% हो जाएगा। रोहित जी गुड इवनिंग, जस्ट गुड स्टार्ट इवनिंग, किया गुड मैंने। इवनिंग सुजीत सर, हाउ आर यू? फर्स्ट ठीक हूँ, आप बताइए। क्लास सर, तो जैसे कि 500 का अगर 67% निकालना है, 67% इन द परसेंट सैंपल, देन वी जस्ट मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ जाएगा। बट 67 इन द नंबर फॉर्मेट, दैट टाइम अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट गलत मिलेगा। तो हमें जरूरत है या तो मैं 67 को 67 परसेंटेज में कन्वर्ट करूं या फॉर्मूले को मैं डिवाइड बाय 100 करूं, सॉरी, तब जाके रिजल्ट करेक्ट आएगा। अब यही प्रॉब्लम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये डेटा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा डेटा है और मैं मुझे कई सारे लोगों का डेटा यूज करता हूँ, तो मुझे अपने डेटाबेस में अपने फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहां से कॉपी करके पेस्ट करना है ना वहां पे चेंज करना है। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, क्या इसको एक एक तरीके से यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा दें, फिर यहाँ पे क्लिक करें परसेंट का सिंबल, देन यहाँ पे क्लिक करें परसेंट का सिंबल, क्या इस तरह से लगा दें, या फिर एक तरीका है जो अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं किसी जगह पे 100 टाइप करूंगा, उस 100 को कॉपी करके पूरे एरिया में राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसके अंदर हमने कर दिया डिवाइड। दिख रहा है डिवाइड आपको? तो हर नंबर जो 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए इससे पहले मैंने बताया कि भाई क्या करता है पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस, तो आप उसको थोड़ा भी तजुर्बा नहीं देते, बोले छोटा फीचर इसका क्या यूज करेगा, क्या पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमें बताया था कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ या मल्टीप्लाई कर दूँ ऐड कर दूँ, तो आप उतना उसको तजुर्बा नहीं देते। लेकिन जब एक रियल टाइम प्रॉब्लम पे उस ऑप्शन का इफेक्ट को देखे तो आप सोचे हो तो बहुत अच्छी चीज है। That is the advanced feature of the Excel, मेरे हिसाब से, समझे? अब हो यस सकता है सर, कि सर ये तो छोटी सी चीज आपने बता दी, चलिए एक और चीज पे डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे इस चीज को जिक्र किया है, और जैसे उनके पास इस तरह के डेटा है, हालांकि उनका ओरिजिनल डेटा मैं आपको नहीं दिखा सकता, जैसे यहाँ पे अलग अलग डेट के अलग अलग दिन के यहाँ पे डेट है,
नेम भी अलग है, पूजा है, कहीं पे रवि है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ उदय है और यहाँ पे इंदर। अब यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 2000 हो सकता है, ये आपका 3000 है क्रेडिट में, और ये भी आपका क्रेडिट है 1500। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट का डेटा है जो कि आता है। अब प्रॉब्लम है कि ये डेटा का कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि बीच में कितना गैप होगा, कौन सा क्या होगा, कुछ नहीं है। डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए ताकि उस पर हम कुछ एनालिसिस वगैरह कर सके, क्योंकि इस पर कोई एनालिसिस तो होगा नहीं ना। क्या सुशील जी, कोई एनालिसिस होगा इसमें? हाँ नहीं, मुश्किल है इसमें। लेकिन डेटा का हमने देखा तो एक पैटर्न डेटा का पता चला। पैटर्न कि डेटा स्टार्ट होता है आपके डेट से, पहले कॉलम में आपका डेट है, पहला पैटर्न ये रहा। दूसरा नेम जो है वो डेट के अगले कॉलम के अगले रो में, और दो तीन रो बाद आपका टाइप है, और उसके बाद आपका अमाउंट उसी में, और बैलेंस उसी के नीचे है। बाद बाकी कोई और पैटर्न नहीं है। अब इसी पैटर्न की मदद से करेंगे। अब सुशील जी सोच रहे होंगे कि इसके लिए बीवीए प्रोग्रामिंग लगा दो। बीवीए प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। देखिए बीवीए प्रोग्रामिंग के लिए हम लास्ट ऑप्शन देते हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो या सॉल्व करने बहुत लेंथी प्रोसीजर है, देन हम बीवीए का यूज करते हैं। रीजन ये है कि बीवीए जब यूज करेंगे तो आपके फाइल टाइप को चेंज करना होगा, जो कि .xlsm माइक्रो अनेबल वर्क, और हर किसी का माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल नहीं होता है और डिसेबल होता है। अगर इस फाइल को जैसे थर्ड पार्टी को आप भेजेंगे, उसको फाइल खोलते ही माइक्रो अनेबल माइक्रो का एक पॉपअप दिख जाएगा। अब वो माइक्रो के बारे में जानता है तो वो क्या कर देगा, अनेबल कर देगा। लेकिन सिक्योरिटी वार्निंग के टाइप में आएगा, जो लोग माइक्रो को नहीं जानते हैं वो सीधे बोलेंगे फाइल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वायरस है, सिक्योरिटी अलर्ट दे रहा है, वो सीधे कैंसिल करेंगे और बाहर निकल। अब आपको उन सबको बताना होगा, भाई कोई वायरस वायरस नहीं है, ये माइक्रो लगा है, कोडिंग किया है मैंने, थोड़ा सा अनेबल कर, किस तरह का कोडिंग है, कैसा कोडिंग है, बहुत सारी चीज आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, ये सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ही वर्क करेगा अगर आपने माइक्रो यूज किया तो, क्योंकि माइक्रो वेब एक्सेस पे या गूगल सीट पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए माइक्रो का प्लान पहले इसको हम ठंडे बस्ते में डाल देते, हम इसको एक्सेल से करेंगे। अब बोलो एक्सेल से कैसे होगा, चलिए इसके लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिया कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्स ए टू से ए टू के अंदर प्लस वन, अदरवाइज इसमें ब्लैंक हो जाए, और ए पहले वाले ए टू को मैंने फ्रीज कर दिया। अब इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं, नीचे ड्रैग, एक डेटा जहां तक डेटा वहां तक ड्रैग कर दिया। अब जहां जहां डेट डला हुआ है ना, वहां पे एक सीक्वेंस नंबर आ गया ना सर। yes, अब यहां पे मैंने वन किया और हमने लगाया कि इफ इसमें प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर देन है मैक्स कॉलन ए तो ब्लैंक करे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करे। अब इसमें एरर आने के चांसेस है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले को इस एरर में डाल देते हैं और यहां करते हैं ब्लैंक। इससे क्या हुआ कि जितने भी सीक्वेंस है ये आपके सामने आ गया। अब वी लुकअप तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई डेटा है नहीं। वी लुकअप सामने वाली कॉलम का डेटा तो उठा लेगा, बट नीचे वाले डेटा का कॉलम नहीं उठाएगा। और इसके अगर मान लो चलो मैं इस वन को यहां भी शिफ्ट कर दूं, फिर भी ये डेट नहीं उठा पाएगा, तो डेट तो वी लुकअप उठा लेगा ना। यहाँ पे वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और हमने डेटा ले लिया कॉमा टू कॉमा थ्री, और इसको भी इस एरर के अंदर में डाल देते हैं। तो चलिए वी लुकअप से डेट हमारा आ गया, पर बाकी डेटा कैसे आएगा, बाकी डेटा तो नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं।
ताकि डेटा भी आ जाए। बाकी डेटा के लिए हमें यहां पे लगाना होगा फॉर्मूला मैच का। मैच इस वन नंबर को इस कॉलम के अंदर में मैच करेंगे तो उसका कॉलम नंबर 3 दिखा दिया, और इसको लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट। ऑफसेट ऊपर वाले को सिलेक्ट किए और हमने बोला कि रो नंबर मैच माइनस वन होना चाहिए, नहीं मैच ही होना चाहिए, और कॉलम नंबर 1 2 होना चाहिए। नेम पूजा सिंह आ गया, अब इस ए वन को कर दीजिए फ्रीज और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। सारे नाम आ गए, अब बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करते जाइए। अब इसमें क्या होगा कि रो नंबर रहेगा सेम, कॉलम नंबर जो है वो होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। उम्मीद थी आपको कि इस फॉर्मूले से ऐसा हो सकता है? नो सर। देखा आपने सर, अब डेटा हजारों हो लाखों हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 6 की जगह पे 7 होगा और इस मैच में प्लस 1 हो जाएगा बैलेंस के। ठीक है, अब 10,200 की जगह पे 10,600 में कर देता हूँ, 600 आ गया। तो डेटा जहाँ जिस फॉर्मेट में था हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। इस तरह की चीजें जब लगाते हैं That call हम advanced Excel कह सकते हैं कि हमने Excel के फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम पे। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले आपको समझ में नहीं आ सकती है आदर्श जी, रोहित जी एंड सुशील जी, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम इसको जब सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। अब बात करते हैं हमारे कोर्स के ऊपर कि हमारा कोर्स क्या है। तो इसके लिए हम क्रोम पे जाते हैं, हालांकि पीडीएफ फाइल को मैं भेजा है आपको मैंने, फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने कोर्स को। देखिए मेरे पास दो तरह की क्लासेस है, फर्स्ट लाइव सेशन, जो भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं रात के 9 बजे आपको 9:30 बजे आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट कॉल लाइव सेशन जूम के थ्रू। एक बैच में 3 बंदे 1 से 3 लोग होते हैं और हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं जूम क्लासेस। लाइव होता है, इंटरेक्टिव होता है, आप जो क्वेश्चन पूछे जैसा पूछने आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम है तो क्लास से पहले क्लास के बाद में शेयर भी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी आती है रिकॉर्डेड क्लास। अब क्या है कि लाइव क्लासेस एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा, जैसे मैं 45 मिनट आपको हर दिन पढ़ाऊंगा, 35 मिनट्स 45 मिनट आपको हर दिन पढ़ाऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन होमवर्क वगैरह लेके चलूंगा, हो सकता है कि किसी दिन आप छुट्टी कर ले किसी दिन हम छुट्टी कर ले, तो ये एक स्पीड से एक फिक्स स्पीड से चलेगा। आप चाहते नहीं नहीं इतना फिक्स स्पीड से नहीं जाना है तो आप मेरी रिकॉर्डेड सेशन में जा सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन जो कि आप सिस्टम एंड मोबाइल दोनों पे देख सकते हैं, बस ipt.com या iptindia.com पे जाके आप वीडियो क्लास पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं OTP के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू। उसी तरह से यहाँ पे आप जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर आईफोन है तो मैं एप्पल स्टोर में जाके माय स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माय स्टूडेंट होता है ये, मेरे किसी भी यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करें तो मोबाइल के सिस्टम पे कर सकते हैं और OTP और मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसको सिस्टम पे भी कर सकते हैं। वो गलत नंबर डाल दिया, माफ कीजिएगा। तो कोर्स जो रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है वो वीडियो फॉर्म में होता है जिसको आप सिस्टम पे मोबाइल पे दोनों पे देख सकते हैं। लाइव क्लासेस की बात करते हैं तो लाइव क्लासेस के जो मेरे अंदर कोर्सेज है उस पर एक बार देख सकते हैं। पहला हमारा होता है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, दूसरा है हमारा VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग।
अब ये दोनों कम लेना चाहते हैं तो एक हमारे पास कंप्लीट MIS का कोर्स आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन 100 to 120 आवर्स है जो कि एवरेज है। ये बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि 200 घंटे 300 घंटे जा सकता है, तो ये 300 घंटे नहीं मतलब हाँ 150 घंटे के आसपास होता है कभी कभी, मैक्सिमम चल गया है, बट 100 से 120 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 4 महीने के आसपास ऑटोमेटिक हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 1 आवर की अप्रोक्स, और सैटरडे संडे लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के आसपास चलेगा, और इसमें एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस, सिक्वल क्यूरी, डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन, रिपोर्ट क्रिएशन वगैरह इसमें किया जाएगा। हर क्लास लाइव इंटरेक्टिव होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ बुक्स मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, और फ्री रीज्वाइन, जैसे कि 6 महीने साल 2 साल बाद आपको ऐसा लगा कि आपने सीखा बट भूल गए या कोई चीजें छूट गई थी तो आप यू कैन ज्वाइन अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज मैं आपको डिमांड नहीं करूंगा। इसकी कोर्स की डिटेल्स आप यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ सेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया हुआ कि क्या क्या है, टोटल इसके पार्ट 4 है। अब इसमें बाहर देखे होंगे इसमें पावर बीआई भी दिख रहा होगा, तो पावर बीआई इसके अंदर जो है ना 2-3 क्लास पावर बीआई के बस डैशबोर्ड और समझा रहे पावर बीआई कैसे करते हैं, क्या है पावर बीआई, पूरी पावर बीआई कंप्लीट इसमें नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एसक्यूएल की क्यूरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम एक्सेस में और बाकी एक्सेल की कनेक्टिविटी वगैरह में वीडियो वगैरह में करते हैं, वो इसके अंदर दिया गया है। एमएस एक्सेस कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ लेकिन इसमें एक्सेल और वीवीए दोनों 100% कंप्लीट है, एक एक फीचर्स मैंने कंबाइन किया हुआ है। और शुरुआत में आपको 3 से 4 क्लास एज ए मिलेगा, कंटिन्यू आप कर सकते हैं शुरुआत में, आपको ऐसा नहीं कि कल से आप ईच माह की जो पैसा दीजिए और पढ़िए, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप 3-4-5 दिन पढ़ के देखिए, लगता है कि हाँ गुड फॉर यू देन आप जो है इसको एनरोल कर सकते हैं, फीस वगैरह दे सकते हैं। टाइमिंग की बात करें कि टाइमिंग अगर लेना चाहे तो मेरे पास जो फिलहाल अवेलेबल टाइमिंग है उसके बारे में बात कर देता हूँ। मेरे पास अवेलेबल टाइम में अगर आप कंप्लीट MIS लेते हैं तो MIS के पैकेज की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग एक्सेल से शुरू होता है, तो उस केस में आपको जो है मॉर्निंग के 6:30 का टाइम मिल जाएगा, 10 बजे मिल जाएगा, 9:15 भी अवेलेबल है इवनिंग मॉर्निंग में, दोपहर में 1 बजे खाली है और 4 बजे खाली है, 6 बजे शाम का खाली है। रात में अगर आते हैं तो रात में मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है 7:15 है, ये आप ले सकते हैं, और 9:30 ले सकते हैं, ये हमारे अवेलेबल टाइम है। लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ वीवीए करना है, ओनली फॉर वीवीए, तो वीवीए के लिए आपको जो है मॉर्निंग में 7:15 का टाइम मिल जाएगा, 10 बजे आप ले सकते हैं, 1 बजे ले सकते हैं, 4 बजे ले सकते हैं, 6 बजे ले सकते हैं, और मे बी 9:30, लेकिन 9:30 कन्फर्म नहीं है, बस 9:30 भी ले सकते हैं। ये आपके शेड्यूल्स है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। वीवीए अगर कराता हूँ तो कंप्लीट लैंग्वेज है इसमें, तकरीबन 65-70 घंटे की क्लासेज है आपकी वीवीए की, तो इसमें कंप्लीट कराता हूँ।